नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं संदीप शर्मा। दोस्तों आज आप जैसा मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं, गजब का व्यू है। नेचर भी हमारा साथ दे रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं झरने पर। कहाँ है झरना, क्या इसका एड्रेस है, आपको कैसे आना है, सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो में इसी तरह से बनी रही और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लोकेशन तो खूबसूरत है ही है, लेकिन आज मौसम ने भी पूरा साथ दिया है। धूप बिल्कुल नहीं है, बहुत सुंदर नजारा है। दोस्तों ये देखिए मेरे पीछे पहाड़ों के नीचे से, मतलब पत्थरों के नीचे से पानी आ रहा है। क्या मतलब रचना है कुदरत की, बहुत खूबसूरत है। देखो मोटे मोटे पत्थरों के नीचे से पानी आ रहा है, इतना खूबसूरत नजारा है, बहुत आनंद आ रहा है। दोस्तों झरने पर हमारी मुलाकात हुई है धीरज भैया से। धीरज भैया आपको यहाँ का पूरा एड्रेस बताएंगे। जी धीरज भैया, ये दर बढ़ाना गाँव के अंदर पड़ता है जी। ये ब्याना तहसील के अंतर्गत आता है जी, और ये भरतपुर जिला राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, भरतपुर जिला राजस्थान की लोकेशन है ये। जी सर। जी बढ़िया भैया, बहुत हाँ जी। और भैया, तो सर आपको भरतपुर से चलते हो तो आपको पहले तो झील पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ से 15 किलोमीटर आपको बंदवारेटा पहुंचकर, उसके बाद बंदवारेटे से 5 किलोमीटर दर बढ़ाना पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ से 2 किलोमीटर ये पड़ेगा आपको दर बढ़ाना झरना। दर बढ़ाना झरना वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर है जी। थैंक यू भैया, शुक्रिया। भैया झरना पर मजे आ रहे हैं, फुल मस्ती हो रही है, फुल मस्ती हो रही है भाई। भाई क्या नाम है आपका? विष्णु शर्मा। विष्णु जी कहाँ के हो? पिंडारी। अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत आनंद आ रहा है भैया। लग ही नहीं रहा कि हम लोग जो राजस्थान के किसी छोटे से गांव में, लग रहा है हिमाचल में घूम रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, पार्किंग वार्किंग सबकी सुविधा है भैया। दोस्तों झरने में नहा करके तो मजा आ गया, लेकिन देखो आप वो पीछे देख रहे हो मेरे, वहाँ झरना है। चलो वहाँ और चल रहे हैं, वहाँ का नज़ारा और देखते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं, लाखन गुजर जी। लाखन गुजर जी कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। ये वैसे तो हमारा ही गांव है, यहाँ शनिवार इतवार को बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वैसे हम तो पहली बार आए हैं, मथुरा से हम लोग आए हुए हैं, मज़ा आ गया। मतलब ये मान लो लाइफ का असली जो है इन्जॉयमेंट यही है। यहाँ क्या है, शनिवार को और भी ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब भीड़ इतनी आती है, कम से कम हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है। अच्छा, सैटरडे संडे वाला ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। दोस्तों अगर आप आना चाहें तो एड्रेस हमने आपको वीडियो में बताई दिया, आइए और लाइफ का जो है फुल इन्जॉय लीजिए यहाँ पे आके। थैंक यू भैया। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा सहयोग दे रहे हैं जी भैया, आप इंट्रोड्यूस करा दें अपने आप को। दोस्तों मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और देसी ट्रेवलर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज मैं संदीप भैया के साथ में आया हूँ ये लोकेशन पर, बड़ी ही प्यारी लोकेशन है। आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए संदीप भैया को। थैंक यू। ओके थैंक यू भैया। भैया का भी यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएं जाकर के चेक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके दोस्तों आज हमने आपको राजस्थान का झरना दिखाया। कमेंट्स करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।